अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद कहता हूँ मैं मंजर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उसके मुकाबले में बेरोज़गारी तो कुछ भी नहीं, बस कोई करने वाला होना चाहिए। आज एक ऐसा ही बिज़नेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप सिर्फ 4-4.25 रुपये के अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और कम से कम जो उसकी मंथली प्रॉफिट है ना वो 50,000 रुपये इंशाल्लाह पक्का है, कम से कम। जब आप समझे कि आपका काम चला ही नहीं, बस गुजारा हुआ है, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जिस लेवल पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई कर ही नहीं रहा। जो बंदा भी कर लेगा स्टार्ट, वो होगा कामयाब। बात करने जा रहे हैं मकई के सिट्टे का कारोबार, मकई की जो छल्ली होती है। अब इसको किस तरह से करना है ये देख लें, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मकई की छल्ली आपने बेचनी शुरू कर देनी, पहले समझ लें कि करना किस तरह से। आप पाकिस्तान में कहीं भी जा रहे हो, आपका दिल करे मकई का सिट्टा या मकई की जो छल्ली खाने का, तो आपके जहन में एक ही ख्याल आता है, रेड़ी वाला, मकई वाली, छली वाली। नहीं, आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती, कोई ऐसा पार्लर, कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कोई ऐसा कैफे जहाँ पे आप जाएं या बैठें और मकई की छली, मकई का सिट्टा मंगवाएं, खाएं आराम से, मज़े से, कैचअप कुचअप साथ हो और इंजॉय करके चले जाएं। नहीं होगा ऐसा, पाकिस्तान में है ही नहीं। तो आप क्यों नहीं करते, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाते? अगर हम इसी चीज़ पर बात करेंगे आज कि अगर हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक मकई के सिट्टे का कैफ़े जिसमें सिर्फ और कुछ मिले ही ना, सिर्फ मकई के सिट्टे मिले, मकई के दाने मिले, और उसमें हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, फैक्ट्स पे बात करेंगे, हवाई बातें नहीं होगी। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता चलूँ, प्रैक्टिकल। साहिवाल से मेरा घर 18 किलोमीटर के फासले पर है और मैंने गिनती की है, इस 18 किलोमीटर फासले में 10 भट्टियाँ ऐसी हैं, लोगों ने मिट्टी की भट्टियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पे वो मकई की छलियाँ भून के सेल करते हैं, और हर छली वाला, हर भट्टी वाला डेली का एक तोड़ा सेल करके जाता है कम अज़ कम। और एक तोड़े में आपको पता है कितनी छलियाँ होती है? 25 किलो। 25 किलो का तोड़ा होता है, थैला होता है, और एक छली तकरीबन 1 पाव की होती है। मतलब कि 100 छली एक दिन की बंदा बेच के जाता है 18 किलोमीटर के फासले में 10 पॉइंट से, और 10 पॉइंट में से हर बंदा 100 छली बेच के जाता है। और ये तोड़ा कितने का मिलता है छलियों का? 400 रुपये का, 425 रुपये का, 450 रुपये का, यहीं पे रेट रहता है। बोली लगती है और मंडी में, मंडी से मिल जाती है आपको छलियाँ, वहाँ से आप जाके छली खरीदेंगे, 4 रुपये की आपको एक छली पड़ रही है। अब जब आपने कैफ़े बनाया है बड़ा बेहतरीन किस्म का, तो उसमें आप छली 5-10 रुपए की तो नहीं बेचेंगे, इसमें कम से कम भी आप 30 रुपए की बेचेंगे, 50 की, 60 की, 100 की, क्योंकि एक भट्टी वाला भी 20 रुपए की छली सेल कर रहा है। अच्छा, अब सुनिए, ये हर जगह पे कैफे नहीं चल सकेंगे, ये भी जहन नशीन कर लीजिए। बड़े बड़े शहरों में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लाहौर में स्टार्ट कर सकते हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, तो वैसे ही मकई बहुत होती है, फिर भी आप वहाँ पे भी अपनी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। फैसलाबाद में ही किया जा सकता है, क्वेटा हो गया, और जितने भी बड़े बड़े शहर, पिशावर हो गया, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे आप इस चीज़ की मार्केट रिसर्च करके अपना एक अच्छा सा कैफ़े खोल सकते हैं, और आपकी सोच से बढ़कर, आपकी सोच से बढ़कर प्रॉफिट होगा। एक तो ये नई चीज़ होगी, लोग धड़ाधड़ आएंगे, शहरों की आवाम जब देखेगी कि मकई कैफ़े या छली कैफ़े या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, वहाँ पे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने बनाई है, आपके साथ शेयर किया देता हूँ। डेली का आपने सिर्फ अगर एक थैला सेल करते हैं जो कि एक भट्टी वाला सेल कर रहा है आराम के साथ, तो आपका तो कैफ़े होगा, आप इससे कई ज़्यादा सेल कर पाएंगे। आपकी भट्टी नहीं होगी, आपका कैफ़े होगा, और वहाँ पे छली की एक किस्म नहीं मिलेगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन सी किस्में आप रख सकते हैं। तो एक थैला तो कुछ भी नहीं है, एक थैला तो कुछ भी नहीं है, एक घंटा भी ज़्यादा है एक थैला सेल करने के लिए, लेकिन हमने सिर्फ एक थैला की बात की कि पूरे दिन में हमने सिर्फ एक थैला सेल किया, बमुश्किल 100 छली सेल की। इसमें हम क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं? 4 रुपये की हमें छली पड़ी, 400 रुपये की हमें छलियाँ, 30 रुपये के हिसाब से हमने सेल करी, तो 3,000 रुपये की हमारी सेल हुई टोटल, उसमें से 400 छलियों के निकल गए, बाकी बचे 2600 रुपये, और हमने इस पे कॉस्ट जो निकाली, हमारा गैस यूज़ हुआ, तो गैस हम सपोज कर लेते हैं कि 200 रुपये का हमारा 100 छली को तैयार करते हुए यूज़ हो गया, जो कि बहुत रीज़नेबल है, ठीक है। बाकी हमारे पास बजट 2400 रुपये एक दिन का, ठीक है। इसको अगर हम महीने पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 72,000 रुपीज़, 72,000 रुपये।
अब 72,000 रुपये में से हम 10,000 रुपये अपनी उस दुकान का किराया निकाल देते हैं, 10,000 रुपये में एक रीजनेबल दुकान आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी अच्छे पॉइंट पे लेंगे तो वहाँ पे सेल भी ज़्यादा होगी। ये मैंने सबसे कम सेल चूज़ की है, सिर्फ एक थैला, 10,000 रुपये आपकी शॉप का रेंट हो गया, और आप अपने साथ एक मुलाजम रखेंगे, 12,000 रुपये उसकी सैलरी निकाल लेते हैं। बेशक आप उसको वेटर रखें, खुद तैयारी करें, या वो तैयारी करें और आप खुद वेटर का काम कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। 50,000 रुपये आप आसानी के साथ कमा रहे हैं, सिर्फ एक थैला। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए, ये एक नई चीज़ होगी और आप इसको नए जदीद अंदाज के साथ पेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्व करने का आपका तरीका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। ये नहीं कि वैसे ही छली अखबार में लपेट के आप दे रहे हैं तो उस भट्टी वाले में और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अभी ये आइडिया आप कुछ लोगों को बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, लोग नीचे कमेंट्स भी करेंगे कि यार ये क्या बकवास आइडिया दे दिए, लेकिन अगर इस चीज़ पे काम किया जाए तो आपकी सोच से बाहर है कि आप कितना नाम कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं इस कारोबार में से। अगर आप 2 थैले सेल कर लेते हैं डेली के, तो 2 मुलाजमों की 12,000 तनख्वाह के साथ आप महीने का 1,00,000 रुपये कमा रहे हैं। सेल क्या कर रहे हैं? सिर्फ छली। अब छली सिर्फ ऐसे छली नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट अंदाज में बेचा जाता है। इसको भून के, इसको बॉयल करके सेल किया जाता है, इसके दाने जो है वो रोस्टेड रोस्ट करके भी सेल किए जाते हैं, मकई के दाने, और उसके बाद छिलकों समेत इसको केरी में पकाया जाता है, और बहुत सारे तरीके का है छली की। आप कोई 10 रेसिपीज़ लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, आपका बहुत ही बेहतरीन बिजनेस चल सकता है। सोचिएगा ज़रूर और इस पर अमल भी कीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा भी, मेरे देखने वालों में से कोई बंदा भी ये वीडियो देखने के बाद ये बिज़नेस स्टार्ट करे, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। यहाँ पे मेरा मेल एड्रेस आ रहा है, इस पर आप मुझे मेल कीजिएगा और मैं आपकी मार्केटिंग 100% फ्री अपने YouTube चैनल से करूँगा और पूरे पाकिस्तान तक यह आपका पैगाम पहुँचाऊँगा कि आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी जगह पड़ी हैं जहाँ पर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए, नाम पैदा कीजिए, पैसा कमाइए। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।